नमस्कार, मैं हूँ स्नेहा राय और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ। और आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम फ्लैशबैक में। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन, आज हम उनको लेकर बात करेंगे। अमिताभ बच्चन और स्मिता पटेल। स्मिता पटेल आज भले ही हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी कुछ कई सारी यादें हमारे पास है, और खास करके अमिताभ बच्चन और स्मिता पटेल की दोस्ती। ये दोनों की दोस्ती कुछ खास ही थी, जहाँ पर स्मिता पटेल अमिताभ बच्चन का इतना ज्यादा ख्याल रखती थी। एक ऐसा ही कुछ किस्सा कूली के सेट पर हुआ था, जब स्मिता पटेल ने अमिताभ बच्चन को रात में, आधी रात में फोन करके कुछ ऐसा कहा, जिस वजह से अमिताभ बच्चन उस चीज को सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड रह गए थे। तो चलिए, आज के इस प्रोग्राम में हम आपको बताते हैं कि आखिर स्मिता पटेल ने अमिताभ बच्चन को क्या कहा था। स्मिता पटेल अपने समय की बेहतरीन एक्ट्रेसेस में से एक थी। स्मिता पटेल ने सिर्फ हिंदी ही नहीं बल्कि कई भाषाओं की फिल्मों में काम किया था। स्मिता पटेल को उनकी एक्टिंग के लिए जाना जाता था। स्मिता पटेल को नेशनल फिल्म अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड और पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। स्मिता पटेल अपने बोल्ड अंदाज के लिए जानी जाती थी। स्मिता पटेल ने कई एक्टर्स के साथ काम किया था। अमिताभ बच्चन संग भी स्मिता ने काम किया था। स्मिता और अमिताभ बच्चन की दोस्ती काफ़ी ज़्यादा गहरी थी। अमिताभ बच्चन और स्मिता पटेल का एक ऐसा किस्सा जो शायद ही उनके फैंस जानते होंगे। अमिताभ बच्चन को कूली फिल्म की शूटिंग के दौरान गहरी चोट आई थी। इस चोट का इलाज काफ़ी समय तक चला था, यहाँ तक बात आ गई थी कि उनकी जान खतरे में है। अमिताभ बच्चन ने उस मुश्किल दौर से लड़ाई की और आज वो सभी के महानायक के नाम से जाने जाता है। अमिताभ बच्चन की इस भयंकर चोट के बारे में स्मिता ने उन्हें जख्मी होने से एक रात पहले ही बता दिया था। जी हाँ, सुनने में अजीब है लेकिन सच है। स्मिता पटेल ने अमिताभ बच्चन को आधी रात को फोन कर दिया था। स्मिता को सोने के वक्त एहसास हुआ कि कुछ तो गलत होने वाला है, जिसके बाद उन्होंने आधी रात को अमिताभ बच्चन को फोन कर दिया। अमिताभ बच्चन को स्मिता ने अनहोनी के बारे में आशंका जताई थी। स्मिता की ये बात सुनने के बाद बिग बी के होश उड़ गए थे। स्मिता पटेल की आशंका अगले दिन कूली के सेट पर सच हो गई थी। स्मिता पटेल के बहुत सारे सपने थे। स्मिता काफी कम उम्र में दुनिया को अलविदा कह दी थी। स्मिता ने फिल्मफेयर महेश भट्ट बातचीत के दौरान उन्होंने कहा था कि उनकी जिंदगी जल्द खत्म हो जाएगी, क्योंकि उनके हाथ में जीवन रेखा बहुत छोटी है। स्मिता पटेल को उनके फैंस आज भी कहते हैं। बॉलीवुड में स्टार्स जितनी शिद्दत से दोस्ती निभाते हैं, उतनी ही नफरत से दुश्मनी भी। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर्स के बीच दोस्ती और दुश्मनी के कई किस्से कहानियां सुनने को मिल जाएंगे। इनमें से एक स्मिता पटेल और शबाना आजमी की दुश्मनी की कहानी भी है। स्मिता ने महज 31 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया था, लेकिन अपने पीछे वो ढेर सारी यादें छोड़ गई। इन यादों में शबाना संग उनकी लड़ाई भी शामिल है। भले ही इन्होंने कई फिल्मों में साथ काम किया, लेकिन सेट पर इनकी जरा भी नहीं बनती थी। शबाना ने स्मिता के लिए बहुत कड़वे शब्द भी बोले थे, जिसका उन्हें बाद में बहुत अफसोस भी हुआ था। स्मिता पटेल का जन्म पुणे में हुआ था। उनके पिता पॉलिटिशियन थे और माँ सोशल वर्कर। वो बचपन में ही ड्रामा करने लगी थी। उन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और तब लोकल थिएटर ग्रुप का हिस्सा भी थी। वो फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कैंपस में खूब समय बिताती थी। उन्होंने 70 के दशक में करियर की शुरुआत टीवी पर न्यूज़ रीडर से की थी। श्याम बेनेगल ने उन्हें खोजा और अपनी फिल्म में कास्ट किया। वो दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की हुई थी। वो ना सिर्फ एक्टिंग करने में माहिर थी, बल्कि अपने फिल्मों से महिलाओं से जुड़े गंभीर मुद्दे भी सामने लेकर आती थी। इसी दौरान शबाना आजमी भी नाम कमा रही थी। स्मिता और शबाना ने 1982 में रिलीज हुई अर्थ फिल्म में साथ में काम किया था। महेश भट्ट के इस फिल्म में दो औरतों की कहानी को दिखाया गया था। कहते हैं कि इसमें महेश और परवीन बॉबी की कहानी दिखाई गई थी। फिल्म में दोनों ही एक्ट्रेसेस ने शानदार एक्टिंग की थी। बॉलीवुड में 70 और 80 के दशक की नंबर वन एक्ट्रेसेस में से एक शबाना और स्मिता साथ में कॉन्स फिल्म फेस्टिवल में भी गई थी। शबाना ने कुछ सोशल मीडिया पर करीब 66 साल पहले की तस्वीर शेयर की थी। दोनों साड़ी में सादे लुक में थी। इस तस्वीर को काफ़ी पसंद किया गया था।
शबाना आजमी ने एक बार खुलासा किया था कि उनकी स्मिता पाटिल से क्यों नहीं पटती थी। उन्होंने बताया था कि उनका और स्मिता का बैकग्राउंड लगभग एक जैसा था। दोनों को ही श्याम बेनेगल ने लॉन्च किया था। दोनों के ही पेरेंट्स सोशलिस्ट मूवमेंट में जुड़े हुए थे। जब दोनों अर्थ फिल्म में काम कर रही थी तब महेश भट्ट से स्मिता काफ़ी नाराज हो गई थी क्योंकि एडिटिंग के दौरान मूवी से उनके कई सीन्स काट दिए गए थे जिसकी वजह से उनके किरदार का महत्व कम हो गया था। बताया जाता है कि स्मिता को लगा था कि महेश और शबाना की अच्छी दोस्ती है इसलिए उनके साथ ऐसा किया। इस विवाद के कारण स्मिता और महेश में बातचीत तक बंद हो गई थी। वहीं शबाना और स्मिता एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करती थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि शबाना और सुनीता की फैमिली का आपस में रिलेशन बहुत अच्छा था लेकिन वो एक दूसरे से नफरत करती थी। इसको लेकर शबाना ने सुनीता के निधन के बाद कहा था कि उन्होंने बहुत गलतियां की थी। वो और सुनीता अच्छे दोस्त बन सकते थे। उन्होंने कहा था, मैंने सुनीता के लिए कड़वे शब्द बोले थे जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मुझे लगता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। हालांकि मीडिया में उनकी बातों का बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया था। स्मिता ने 13 सितंबर 1986 को महज 31 साल की उम्र में दम तोड़ दिया था। उनकी निधन चाइल्ड बर्थ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से हुई थी। उन्होंने 15 दिन पहले बेटे प्रतीक को जन्म दिया था लेकिन उनकी हालत ठीक नहीं थी। निधन से कुछ घंटे पहले वो पति राज बब्बर के साथ एक फंक्शन में जाना चाहते थे लेकिन राज ने उन्हें मना कर दिया। वो बाथरूम गए और जब लौट कर आए तो देखा कि स्मिता का चेहरा पीला पड़ गया था। वो खून की उल्टियाँ कर रही थी। जब तक उन्हें हॉस्पिटल लेकर पहुँचे तब तक वो कोमा में जा चुकी थी। डॉक्टर्स उन्हें बचा नहीं पाए। ये भी कहा जाता है कि अगर स्मिता का सही समय पर इलाज होता तो उनकी जान बच सकती थी। स्मिता पाटिल एक्टिव फेमिनिस्ट थी और मुंबई में वुमेन सेंटर में मेंबर भी थी। उन्होंने अपनी फिल्मों के जरिए महिलाओं की समस्याओं को दिखाने की कोशिश की थी। वो चैरिटी भी करती थी। उन्होंने अपने पहले नेशनल अवार्ड की जीत की चैरिटी में दान दिया था। उनकी और राज बब्बर की पहली मुलाकात 1982 में भीगी पलके के सेट पर हुई थी। यहीं से दोनों के बीच रोमांस शुरू हुआ जबकि राज पहले से शादीशुदा थे। उन्होंने स्मिता के लिए पत्नी नादिरा बब्बर को छोड़ दिया था। इस वजह से दोनों स्टार्स की काफी आलोचना भी हुई थी। तो देखा आपने कि कैसे स्मिता पटेल ने अमिताभ बच्चन को कॉल करके बताया कि उन्हें डर लग रहा है, उन्हें कुछ लग रहा है कि कुछ तो गलत होने वाला है। और जैसे ही दूसरे दिन सेट पर जाते हैं अमिताभ बच्चन तो वहां पर उनके साथ एक घटना घट जाती है जिस वजह से डॉक्टर्स भी कहते हैं कि अमिताभ बच्चन की जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा हादसा होता है जिस वजह से अमिताभ बच्चन भी शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिर स्मिता पटेल को ये चीज़ का पता कैसे चला। उन्हें पता चला कि जैसे ही उन्हें पता चला उन्होंने कॉल करके अमिताभ बच्चन को ये चीज़ बताई थी कि कुछ बुरा होने वाला है, कुछ घटना घटने वाली है। और हमने आपको ये भी बताया कि कैसे शबाना आजमी और स्मिता पटेल की आपसी में दुश्मनी थी। बॉलीवुड में दोस्ती तो बहुत होती है लेकिन कई सारे ऐसे दुश्मनी भी हैं जिन्हें देखते ही लगता है कि ये एक्ट्रेस में तो बहुत ज़्यादा कैट फाइट, दुश्मनी, ये सब आम हो चुका है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 लाइफ। गुड बाय।